शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया कॉलोनी में शुक्रवार की रात युवक को घर पर बुलाकर उसकी प्रेमिका ने अपनी मां और बहनों के साथ मिलकर जिंदा जला दिया। गंभीर स्थिति में पुलिस मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। प्रेमिका उसकी मां पर हत्या एवं मारपीट का केस दर्ज कर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार करीम नगर निवासी 25 वर्षीय जय सिंह यादव पेंट पॉलिश का काम करता था। टीचर कॉलोनी के रहने वाली युवती से उसका प्रेम संबंध था। 3 साल पहले दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी और स्पोर्ट्स कॉलेज के पास किराए के मकान में रहते थे। 15 दिन पहले घर वालों के तैयार ना होने की बात कहते हुए लड़की माता पिता के पास चली गई। जयसिंह पिछले कई दिनों से उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह तैयार नहीं हो रही थी। दोनों का मोबाइल पर संपर्क बना हुआ था। आरोप है कि शुक्रवार की शाम को प्रेमिका चंचल उर्फ रिया ने फोन पर जयसिंह को बिछिया कॉलोनी स्थित अपने घर बुलाया। वहां पहुंचने पर 2 बहनों के साथ मिलकर पहले पिटाई की, बाद में तेल डालकर आग लगा दिया। इस संबंध में SP सिटी सोनम कुमार ने बताया कि युवती और उसकी मां को हिरासत में ले लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी सोनम कुमार ने कहा, इसके चादरवा सही तक खींच लो। हाँ चादरवा, इसका चादरवा नीचे, इसका वाला, हाँ वो नहीं है, उसके ऊपर वाला नहीं है, लंचा नहीं वाला है। बड़ो पीछे बड़ो बाबू, इधर ये चादरवा आप पकड़ लो। ठीक है, पैर वो उठा लो, पैर क्लाइंट से कोई मतलब नहीं, तो उस कंपनी या क्लाइंट से मतलब है। देखिए, इसमें दिनांक 9/4 को शाहपुर थाने में आवेदिका ने तहरीर दी थी कि उनके पुत्र जयसिंह यादव को एक लड़की ने घर बुलाया और उसके परिवारजनों द्वारा घर में बंद करके मारपीट की गई, उसको जला दिया गया। फिर उसको 112 की सूचना पर भी सदर अस्पताल ले गए थे, वहाँ से BRD रेफर किया गया था, वहाँ से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। तो इस संदर्भ में मुकदमा अपराध संख्या 164/21 धारा अंतर्गत 302-323 IPC पंजीकृत किया गया था। और तत्पश्चात जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि लड़का और लड़की जो है उनकी शादी हुई थी और वो उनके साथ ही रह रही थी, और जो लड़की थी उनकी माता, इनको हिरासत में लिया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो PM हो जो किया गया है वो पैनल के द्वारा किया गया है इसमें, और विधिक कार्रवाई की जा रही है इसमें।